एवरीबॉडी, कैसे हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज वो दोस्त अच्छे होने वाले हैं जिनको मेकअप अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि मेरी लुक काफ़ी डिफरेंट लग रही है तो चिंता मत करें, ये जो बाल हैं मेरे नेचुरल हैं और मैंने ब्लीच की थी मेरे बालों को वीडियो के पर्पज़ से कि कैसे आप अपने घर को बालों को घर में चेंज कर सकते हैं रंग। वो सिर्फ आज का दिन ही रहने वाला है। आज मेरे पास इतना समय नहीं था कि उसको मैं काला कर लूं, पर मैं या एंड ऑफ द डे मैं काला करने वाली हूं। आज इस जगह पे हम क्यों इकट्ठा हुए हैं? इस जगह पे हम इकट्ठा हुए हैं मेकअप की बातचीत करने के लिए। मेकअप की बातचीत के लिए खास क्या है कि दिन के लुक को रात के लुक में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि बहुत बार होता है ऐसे फेस्टिवल सीज़न है, शादियों का सीज़न है कि हमें दो पार्टीज़ पे एक समय जाना है, आप पूरे मेकअप को धो के दोबारा से नहीं करेंगे। सो कैसे आप नन्हे मन्ने से स्टेप करें कि आपका जो दिन वाला मेकअप है वो नाइट वाला मेकअप लगे, यही टॉपिक को लेके आज हम आए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको पता है, आपको नहीं पता है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप मेकअप से रिलेटेड और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ पर जाएँ एंड फॉलो कर लें। और कर्ली वालों में मुझे इतना अजीब लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि मैं कोई और बंदा हूँ। आज हमारे यहाँ पर गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा है तो मुझे गर्मी भी लग रही है। सो यस, विदाउट फर्दर ड्यू शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, हम लोग शुरुआत करेंगे प्राइमर से। प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ निक्स का नो फिल्टर प्राइमर। ये मेरा फर्स्ट टाइम है प्राइमर ये वाला यूज़ करने के लिए, और ये ब्लरिंग प्राइमर है। ये तो एक्चुअली टिंटेड है, आई एम नॉट श्योर ये कैसा काम करेगा, पर ये यूज़ करेंगे। प्राइमर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि फिर आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छा एप्लीकेशन होता है। सो प्राइमर की लगाने के लिए भी मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्रश, लाइक डबिंग मोशन में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो पोर्स वाला एरिया है थोड़ा स्मूथ हो जाए, चिन पे भी, नोज़ पे भी। वैसे थोड़ी सी कवरेज तो इस प्राइमर से ही आ गई है। और अब मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी अगेन से अफोर्डेबल, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने अफोर्डेबल फाउंडेशन के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो ये है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन। इसके शेड का नाम है डेजर्ट बेज और नंबर है 372। सबसे पहले इसको फाउंडेशन को लेके मैं मेरे स्कार वाले एरिया पे लगाने वाली हूँ। इसे हम छोड़ देंगे ऐसे ही, अब हम करेंगे आई मेकअप, क्योंकि ये डे टाइम मेकअप लुक है तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल एंड न्यूट्रल रखेंगे। सो उसके लिए पैलेट यूज़ करते हैं जेम्स की बिग फ्लफी ब्रश एंड ब्राउन शेड क्रीज पे। इसे हम करेंगे थोड़ा सा डीप ये वाले ब्राउन शेड के साथ। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा डीप है, सो बहुत ज़्यादा मत यूज़ करें, नन्नू सा करें। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, एक्चुअली कोई खास रूल नहीं है, अपनी मर्जी चलाएं। लुक ये ऐसा लग रहा है कि मैं डार्क ब्लैक ही कर रही हूँ, इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। सो हम थोड़ा सा हमारी आँखों को डीप करेंगे, रफली मैंने प्लेस कर दिया है यहाँ पे। सो जिस ब्रश से मैंने क्रीज कलर लगाया था उसी से हम इसे ब्लेंड कर देंगे। इस बार मुझे लग नहीं रहा कि कोई दिवाली पार्टी पुटी होने वाली है, दिवाली इस बार थोड़ी शांत सी रहेगी। आप क्या दिवाली पार्टी करने वाले हैं, लाइक पार्टी करेंगे या वर्चुअल पार्टी करेंगे, प्लीज़ मुझे बताना। दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल हुआ करता था, सबसे ज़्यादा प्यारा, लाइक कितना मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता था दिवाली पे। और बहुत सारे साल हो चुके हैं कि मैंने दिवाली इंडिया में मनाई हो। लास्ट दिवाली मैंने इंडिया में मनाई थी 2008 में, वो दिवाली मुझे इतनी ज़्यादा याद नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल गई होगी। सो जो मुझे याद है वो 2006 की दिवाली है। ऑलराइट, सो दिस इज़ डन। अब हम कोई भी शिमरी शेड लगा लेंगे। शिमरी शेड थोड़ा ज़्यादा उभर के आए उसके लिए हमारी क्रीज को कट कर लेते हैं हम। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी लाइट सा कंसीलर, आप कोई सा भी कंसीलर यूज़ करें। जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है इल मैकियाज का कंसीलर। सो इसे मैं किसे फ्लैट ब्रश के साथ, ऐसे ब्रश के साथ मेरी क्रीज को कट करूँगी। सो क्या करेंगे हम, कंसीलर लगाएंगे देन आईज़ को ओपन करेंगे, और जहाँ तक आपका कंसीलर जाता है वहाँ तक हम क्रीज को कट कर देंगे। आपको कोई ज़्यादा ड्रामेटिक होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपसे होता है वैसे कर लें, एडी को कर लियो। सो जहाँ पे भी हम शिमरी शेड लगाना चाहते हैं उसको लाइट कर लेंगे। कंसीलर को थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं, तब तक हम हमारा फाउंडेशन ब्लेंड कर लेंगे मॉर्फी के बिग फ्लफी ब्रश के साथ। आएंगे हाइलाइटिंग कंसीलर, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कंसीलर, नंबर है 15।
ये फिट मी कंसीलर है, इससे लगाएंगे हम उन पॉइंट्स पे जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। अब डे टाइम के मेकअप में हाईलाइट स्किप भी कर सकते हैं, मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमें इसे नाइट टाइम में कन्वर्ट करना है, तो मैं नहीं चाहती कि बाद में तो लगा नहीं पाएंगे क्योंकि मैं पाउडर लगा लूँगी। सो इससे अच्छा है कि हम पहले से ही फुल कवरेज किस्म का फाउंडेशन बनाएँ ताकि रात तक चल जाए, लाइक नेक्स्ट पार्टी तक हो जाए। आई डोंट नो कैसी पार्टी पे जाना है मुझे, पर वी आर प्रिटेंडिंग। छोटे ब्रश के साथ ब्लेंड करेंगे क्योंकि छोटे से काफ़ी प्रिसाइज होता है। एक ही बार के फाउंडेशन के साथ मेरे स्कार्स एरिया कंसील हो गया है और मुझे और से फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना आप लगाएंगे उतना फेस केकी हो जाएगा। सो वंस मेरा ब्लेंड हो चुका है, अब मैं मेरे फेस को थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगी, नॉट हाईलाइट, ब्राउन्स, क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा सफ़ेद एंड अजीब लग रहा है। सिटी ब्राउन्स यूज़ कर रही हूँ अच्छे अमाउंट में लेके, चिक बोन्स, हेयर लाइन पर लगा लूँगी ताकि कोई मेरे चेहरे पर शेप आ जाए, अदरवाइज अजीब लग रहा है। एंड अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया है तो मेरे बाल आज कर लिए हैं। अगर आप जाना चाहेंगे इसका ट्यूटोरियल, तो इसका कोई ट्यूटोरियल नहीं है क्योंकि मेरे नेचुरल बाल ऐसे ही हैं। मैं एक्चुअली मेरे बालों को स्टाइल करना चाहती थी, लाइक जो भी मेरा रेगुलर हेयर स्टाइलिंग है वो मैं करना चाहती थी, पर देन मुझे याद आया कि मैं ये बालों को ज़्यादा देर तक रखने वाली नहीं हूँ, मुझे मेरे बालों को ब्लैक करना है तो क्या फ़ायदा स्टाइल करने का। सो इससे अच्छा है रहने दो, क्योंकि मैं आज ही शायद इसको ब्लैक कर लूँगी। मैंने मेरे बालों को इस कलर का सिर्फ एक वीडियो के पर्पज़ से किया है, अदरवाइज़ नहीं करने वाली थी मैं। ऑलराइट, थोड़ा सा मेरे फेस को सेट होने देते हैं, उसके बाद हम पाउडर से सेट करेंगे। बहुत समय के बाद मैंने पाउडर लिया है, मुझे पाउडर मिला है एक्चुअली नो फिल्टर। ये जो पाउडर है ये मेरा फेवरेट है बहुत ज़्यादा लंबे समय से, और काफ़ी समय से जो कैनेडा की निक्स की वेबसाइट है उस पर सोल्ड आउट आ रहा था, और फाइनली मुझे मिल गया है, आई एम वेरी हैप्पी। मैंने ये ली है स्पूली, इसके साथ मैं मेरे आईब्रोज़ को ब्रश कर लूँगी, और हम हमारी कट क्रीज पे शेड लगाना भूल गए हैं, बट इट्स ओके, डोंट वी कैन डू दैट। तो ब्रश करने के बाद हम इन्हें फिल करेंगे, पर इनको थोड़ी देर छोड़ देते हैं और कोई शाइनी सा शेड लगा लेते हैं, अपनी पसंद का शाइनी शेड लगाएं जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं एक्चुअली ये वाला लगाना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा, एक्चुअली दिस शेड आई एम गोना पुट, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट है, देखते हैं कि कैसा लगता है। उसे मैं सेम ब्रश पे लेके जहाँ पे मैंने मेरी क्रीज को कट किया है उस एरिया को हम इस ब्यूटीफुल शेड के साथ फिल कर देंगे। अच्छा है ये। वंस ये शेड अच्छी तरह लग चुका है, जो ब्रश मैंने क्रीज कलर के लिए यूज़ किया था उसी पे थोड़ा सा हम अगेन से ब्राउन लेंगे, डार्क कर देंगे एक्सेस को, और इन शेड्स को एक दूसरे के साथ ब्लेंड करेंगे ताकि बहुत नकली सा नहीं लगे, दे आर मिक्स हो जाए वो थोड़ा। इसी तरह थोड़ा सा हम यहाँ पे भी घुमा देंगे। सो आई थिंक दैट्स इट। आप इसको जितना भी स्मोकी करना चाहें करें, पर बिकॉज डे टाइम है तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे। अब हम करेंगे हमारे आईब्रोज़ को फिल, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का ये आईब्रो जेल, डीप ब्रूनेट शेड है इसका। एंगल ब्रश जो इसके साथ ही ब्रश आया है उसी पे लेके आईब्रोज़ को बहुत लाइटली फिल करेंगे। यार लाइटली फिल करते ही मेरे आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। मेरे आईब्रोज़ को सेट करने के लिए मैं हमेशा यूज़ करती हूँ मेबलिन का ग्रेट लैश मस्कारा। उससे क्या होता है कि मेरे आईब्रोज़ रात तक वैसे ही रहते हैं जैसे मैंने सुबह किया होता है। मेरे व्लॉग्स में मोस्टली मैं मेकअप होता है लाइक आईब्रोज़ तो फिल होंगे ही, सो बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मेरा मेकअप सारा दिन इतना अच्छा कैसे रहता है। सो यही नन्हे मन्ने स्टेप्स हैं जिनकी वजह से वो सारा दिन ऑलमोस्ट वैसे ही रहता है। मस्कारा लगाने की बारी आती है, मैं लॉरियल का एयर वॉल्यूम मस्कारा लगा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा मस्कारा है, अगर आपकी लैशेस बिल्कुल नहीं है तो आप लगा सकते हैं। मेरी लैशेस अच्छी हुआ करती थी पर कुछ समय से वो अच्छी नहीं है, लाइक बर्न हो गई थी मेरी लैशेस, एंड बट यहाँ बेचारी बैक टू ट्रैक आ रही हैं। पर पहले मेरी लैशेस बहुत ज़्यादा लंबी हुआ करती थी, पर मुझे फेक लैशेस लगाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सो हम फेक लैशेस लगाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं तो डे टाइम लुक के लिए अपनी लैशेस को स्किप कर सकते हैं। यू गाइस कैन सी कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, अभी मेरी लैशेस है भी नहीं बेचारी। इसी तरह हम लोअर लैशेस पे लगाएंगे। एक्चुअली हम लोअर लैशेस पे हमने कलर नहीं लगाया है, सो सबसे पहले हम ब्राउन लगा लें और मस्कारा बहुत लाइटली, क्योंकि हमें हमारा मेकअप लाइट ही रखना है। फेस को सेट करने के लिए यूज़ करूँगी पाउडर नो फिल्टर, बिग फ्लफी ब्रश के साथ ही जिस एरिया को हमने डार्क से सेटिंग किया उससे हम इससे करेंगे। ये जो पाउडर है
ये वाकई नो फिल्टर जैसा काम करता है और जो भी एरिया है ब्लरी हो जाता है इसको लगाने के बाद। अगर अभी तक आपने इसको ट्राई नहीं किया तो ज़रूर से करें, मुझे लगता है कि ये आपको अच्छा लगेगा। सो आईलाइनर लगाऊंगी मैं, उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ निक्स का आईलाइनर जो कि है ब्राउन। नन्ना सा विंग क्रिएट करेंगे लिपस्टिक के लिए हम बहुत ज़्यादा लाइट ही रहेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ मिलानी की लिक्विड लिपस्टिक। इस शेड का नाम क्या है, वेलवेट नंबर 9। जब भी ये लिपस्टिक लगाती हूँ मुझे लगता है कि मुझे कफ है, क्योंकि इसमें से कफ सिर्फ जैसी स्मेल आती है, बहुत गंदी। आई डोंट नो अगर मिलानी की सारी लिपस्टिक्स में से ऐसी ही स्मेल आती है या सिर्फ इसी से। अब इसको मैं टॉप अप करूँगी ये मैट लिपस्टिक के साथ रिमल लंदन की। इस शेड का नाम है हार्ट बीट। सिर्फ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको सेट होने देते हैं, थोड़ी देर के लिए, तब मैं इसे मैट कर दूँगी, सारा कुछ उतार दूँगी। सो हमारा मेकअप हो चुका है, हमने लैशेस नहीं लगाई है, मैं जल्दी से लैशेस लगा लेती हूँ। कौन सी लैशेस लगाऊँ जो कि बहुत सारी नेचुरल हो। सो हम लोग लगाने वाले हैं सिमोर लैशेस। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, मेरी एक लैश लाइन है जिसका नाम है सिमोर लैशेस, मेरी वेबसाइट का नाम है simorlashes.com और हमारे पास 9 डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अगर आपने अभी तक अपना पेयर नहीं खरीदा है तो जल्दी से खरीद सकते हैं। मैं मेरी लैशेस की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रही हूँ। जो स्टाइल मैं आज यूज़ करने वाली हूँ वो उसका नाम है डेली। बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल येट अ लिटिल थोड़ी सी वॉल्यूम वाला बहुत अच्छा पेयर है ये। हमारी जो लैशेज है वो हैंडमेड मिंक लैशेज हैं, फॉक्स मिंक, सो क्रूल्टी फ्री। ऑल राइट दोस्तों, मैं हाइलाइटर लगाना भूल गई हूँ, वो बिल्कुल मत भूलना। मेबलिन का जो हाइलाइटर है मास्टर क्रोम मॉल्टन गोल्ड है, जो वो ब्राउन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसको अपने हाई पॉइंट से लगाएं, उतना लगाएं जितना का दिन है, जितना ओवर नहीं दिखेगा। सो इस तरह हमारी ये लुक कंप्लीट होने वाली है। ऑल राइट दोस्तों, सो अब हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारी इस लुक को नाइट लुक में। सबसे पहले मेरे बालों को टाई कर लेते हैं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि तुम्हारे कर्ली बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर उनको पता नहीं है कि इनको मैनेज करना मज़ेदार नहीं, समझ में नहीं आता कि कैसे स्टाइल करें। ऐसे लगता है कि बाल इतने भारी हैं कि कुछ नहीं हो सकता है। ये वही दोस्त समझ पाएंगे जिनके बाल कर्ली हैं, जिनके नहीं हैं उनको तो कर्ली चाहिए होंगे। ये दुनिया की उल्टी पुल्टी रीत है। सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे आई मेकअप को चेंज करेंगे। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी शिमरी शेड बट डार्क। आज मेरा ब्राउन किस्म की स्मोकी आई करने के लिए मन है तो वो करते हैं। और आप लैशेस को उतार सकते हैं, अगर आप इसको ड्रामेटिक बनाना चाहते हैं तो ड्रामेटिक लैशेस लगा लें। हम भी कुछ इस तरह का ही करेंगे। ये जो है जैकलिन हिल की पैलेट है, इसमें ये जो 3 ब्राउन शेड्स हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छी ब्राउन स्मोकी आई क्रिएट करते हैं। सो मैं मेरी लैशेस को उतारने वाली हूँ क्योंकि मैं ड्रामेटिक लैशेस लगाऊंगी, पर आप नहीं भी अगर उतारना चाहें तब भी चलेगा। सो अब मैं ये जो डार्क ब्राउन है इसे फ्लैट ब्रश पर लेके सारे एरिया पर लगाने वाली हूँ जहाँ पर मैंने लाइट शिमरी शेड लगाया था। या फिर मैं मेरी फिंगर को भी इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि फिंगर बहुत अच्छा काम करती है और फिंगर से फॉल आउट भी कम होता है। तो सबसे पहले हम इस तरह का काम करके इसको डार्क कर लेते हैं। मेरे साथ बहुत बार होता है कि मैं मेरी डे लुक को नाइट में चेंज करती हूँ, बहुत बार करती हूँ मैं। सो मैं कॉर्नर पे भी डार्क शिमरी शेड लगा रही हूँ। अब क्या बारी आती है, छोटा सा ब्रश ले रही हूँ मैं और ब्लैक स्मोकी करेंगे इसे, थोड़ा सा शुरुआत इस एरिया से करेंगे। सो वंस ये अप्लाई हो चुका है, अब मैं बड़ा ब्रश लेके इसे कर दूंगी ब्लेंड। मेक श्योर करें कि कोई हार्श लाइन नहीं रहे। अगर आप चाहते हैं तो ब्राउन शेडो यूज़ कर सकते हैं। अभी स्मोकी करना चाहते हैं शौक से करें, पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। ब्लैक छोटा ब्रश लेके ब्लैक लूँगी और मेरी लोअर लैश लाइन पे भी लगा लूँगी कि उसे हम ब्लैक करेंगे। आप काजल भी लगा सकते हैं। इसे थोड़ा सा स्मज करने के लिए मैं ब्राउन आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। अब मस्कारा मैंने पहले लोअर लैशेस पे बहुत कम लगाया था, अब थोड़ा ज़्यादा लगा लेंगे हम। और अब बारी आती है कॉन्टोर करने की लिटिल बिट मोर, बिकॉज ये नाइट टाइम है तो आपको कॉन्टोर थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। हाईलाइट भी ज़्यादा करेंगे। अब मेरा हैप्पी टाइम आ गया है कि हम हाईलाइट भी ज़्यादा कर सकते हैं। चंगी अमाउंट में लगा लें जिन्ना आपका दिल करता है। मेरे कैमरे की बैटरी ड्राई होने वाली है, मुझे लगता है कि लैशेस लगाते लगाते ड्राई हो जाएगी। लैशेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ड्रामेटिक लैशेस पंजाब फ्रॉम सिमोर लैशेस अगेन। सो मेरी लिपस्टिक को मैं थोड़ा सा और पिंक करने वाली हूँ, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये एसेंस की लिक्विड लिपस्टिक, नाम है इसका मैड अबाउट यू। मेरे कैमरे की बैटरी ड्राई होगी तो मुझे लगता नहीं है कि मैंने
मेरी लैशेस का प्रोसेस पूरा शूट किया है, तब ब्यूटीफुल शेड है ये। और इसकी क्वालिटी भी हाई एंड लिक्विड लिपस्टिक जैसी है और दवाई जैसी स्मेल भी नहीं आती। और राइट, बालों का क्या किया जाए, आई डोंट नो। और अब हम ज्वेलरी चेंज करेंगे, थोड़ा हैवी रखेंगे सब कुछ। सो दिस इज द नेकलेस वी गोना वेयर। हम बन जाएंगे महारानी इस देश की। अनफॉर्चुनेटली इसके इयररिंग्स एक मिसिंग है, आई डोंट नो किधर गया वो, लेट मी फाइंड इफ आई कैन। सो ये पहन लेते हैं। और यार ऐसी ज्वेलरी के साथ ना बाल थोड़े स्लीक होने चाहिए, अदरवाइज लगता कि ओह माय गॉड टू मच हो जाता है काम। ओह गॉड, ओके आप बिंदी भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहे, बिंदी को भी डार्क कर लिया जाता है, कर लिया जाएगा, पहले भी डार्क ही थी। ओके बालों का क्या किया जाए दोस्तों। ऐसे बाल ना मुझे लगता है विलन्स के होते हैं, जो बहुत ज़्यादा शातिर हो, बहुत ज़्यादा खूंखार ऐसा कोई बंदा। ओके लेट्स ट्राई समथिंग। And every time they're asking, make them believe that it's all good. Faking smiles and laughing. मेरी फालतू बातों से ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं कोई दुपट्टा लेके आती हूँ इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। I'll be back. Oh, बिंदी भी इसके साथ मैच होगी। So इस तरह तैयार हो चुकी है डे मेकअप टू नाइट मेकअप। हमारी लुक को थोड़ा सा और ग्लैम बनाने के लिए हम शिमर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे लिक्विड शिमर्स हैं, मैंने लिए थे अमेज़ॉन से, और इसे मैं लगा लूँगी मेरी आईज़ को ग्लिटरी बनाने के लिए। जनरसली लगा लें आई लैशेज को बचाते हुए, और इसको ड्राई होने दें, देन यू आर डन। और अगर आपको लगता है कोई चीज़ कमी है प्यारे दोस्तों, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आप मेकअप से रिलेटेड और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। यू गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। I love you.